थाने के बहुचर्चित एवं मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले कायथा थाना प्रभारी उपनिरीक्षक प्रदीप सिंह राजपूत द्वारा षड्यंत्र पूर्वक झूठा प्रकरण दर्ज कर लगाई गई धारा 384 को माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा निरस्त करने के बाद झूठा प्रकरण दर्ज करने वाले थाना प्रभारी प्रदीप राजपूत पर उचित कार्यवाही करने हेतु नवागत पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला को ज्ञापन सौंपा गया और उचित कार्यवाही की मांग की है। वहीं पुलिस अधीक्षक महोदय ने मामले में संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। क्या मामला है आपका? आज एसपी महोदय, आपने ज्ञापन दिया गया, क्या है पूरा मामला है आपका? मेरे खिलाफ कायथा में प्रकरण दर्ज हुआ था जी 9/7/2020 को। उस प्रकरण में मेरे खिलाफ ड्यूटी 384 की लगाई गई थी जी, जिसको माननीय हाईकोर्ट ने काट दिया था 384 को। उसमें 294, 506 बाकी जो धाराएं बची थी उसके लिए हम लोग एसपी महोदय से मिलने आए थे। तो मेरे खिलाफ भी झूठा आवेदन दिया गया है जी, और जो मेरे खिलाफ FIR दर्ज की गई है उस FIR की वापस विवेचना की जाए और उसको देखा जाए कि और उसको देखने के बाद उसकी जांच की जाए और उक्त अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी संबंधित थाना प्रभारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई किसी के प्रकार? आज तक कुछ नहीं हुआ, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ से गृह मंत्री तक गए, किसी ने उसको संज्ञान में नहीं लिया। माननीय हाईकोर्ट ने, न्यायालय ने संज्ञान में लेकर हटाई, निरस्त की गई। सूत्रों से ऐसी जानकारी है कि थाना प्रभारी पर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है या राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते? हस्तक्षेप तो है, अभी तो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक कार्रवाई हो जाती राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए। अभी नवागत SP साहब मिले हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आपको लगता है कि आपको न्याय मिल पाएगा उससे? बिल्कुल मिल पाएगा, SP साहब ने बताया है कि मैं जल्दी से जल्दी उसकी जाँच करवाता हूँ। विश्वास है जो उसमें गलत पाया जाएगा उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पत्रकारों ने आज आपको ज्ञापन दिया है और जो नूतनगिरी पत्रकार के साथ घटना हुई उसमें किस प्रकार की कार्रवाई और किस प्रकार की जांच की जाएगी कायथा पुलिस? अभी जैसा आपने ज्ञापन दिया है उसमें कुछ चीज़ों को अपडेट किया है और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जो रिट पिटीशन थी उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश निर्देशन दिए हैं, तो उसके निर्देश में जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक पुलिस से संबंधित विषय की बात की है आपने, उसका भी हम एक जांच रिपोर्ट प्राप्त करेंगे और जांच रिपोर्ट के आधार पर भी हम कार्रवाई।